हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डॉक्टर गीतराज। और आज मैं सुबह सुबह उठा और जैसे सुबह उठता हूं तो टाइम्स ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया हुआ था कि वेस्ट अफ्रीका में नया वायरस मिला है। मतलब सेकेंड वेव जाए हुए कुछ दिन हुए हैं, हम कोविड के लिए तैयार नहीं है, थर्ड वेव के लिए रेडी नहीं है, एंड यहाँ पे वायरसेस पे वायरसेस आए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ब्लैक फंगस, देन व्हाइट फंगस, और अब ये। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वायरस का नाम है मारबर्ग वायरस। द मारबर्ग वायरस इबोला वायरस के फैमिली से आता है और इसका पहला केस रजिस्टर हुआ है वेस्ट अफ्रीका में। 2 अगस्त को एक खबर आती है कि एक पेशेंट का डेथ हुआ है। डेथ होने के बाद लोग चौकन्ने हो जाते हैं कि इसके डेथ किस वजह से हुई है। बेसिकली जो बेसिक सिम्टम्स थे वो थे टाइफाइड एंड मलेरिया के। बट जब डायग्नोज किया गया, जब इसमें इलीजा टेस्ट एंड पीसीआर टेस्ट किए गए, देन निकलता है क्या? न्यू वायरस, मारबर्ग वायरस। अब मारबर्ग वायरस क्या है और क्यों है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन ये इबोला फैमिली से बिलोंग करता है तो हम इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं WHO की रिपोर्ट। WHO ने कहा कि वेस्ट अफ्रीका में एक पेशेंट की डेथ हुई 2 अगस्त को। जिस पेशेंट की डेथ हुई उसका PCR या इलीजा टेस्ट किया गया और इस इलीजा टेस्ट में पाया गया कि ये मारबर्ग नाम का न्यू वायरस है। इस वायरस का सबसे पहला चीज ये देखा गया कि ये एनिमल से ह्यूमन में आता है, देन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है, लाइक कोरोना। यस, ये वायरस भी बैट से आया है, केव्स से आया है, और ये ह्यूमन में आने के बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर करता है। क्योंकि अभी तक हमें पता है कि सिर्फ एक केस रजिस्टर हुआ है और उस पेशेंट की डेथ हो चुकी है, इसके बारे में ज़रा जानकारी नहीं है। और जहां तक बात है अफ्रीकन कंट्रीज की, तो वहां पे इतने ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो जानकारी इकट्ठा कर सके। खैर, इस वायरस की सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना जहां था हमारे बहुत कम डेथ रेट के साथ आया था, वहीं ये 88% डेथ रेट के साथ है। मतलब अगर 100 लोगों को ये वायरस होता है उसमें से 88 लोग मर जाएंगे। That is serious, okay? अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की। जैसा कि मैंने बोला, ये एनिमल टू ह्यूमन एंड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। तो इबोला वायरस की खासियत है ये बॉडी फ्लूइड से बहुत ही तेजी से, या फिर ड्रॉपलेट से, बॉडी फ्लूइड के ड्रॉपलेट से बहुत ही तेजी से फैलता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में, अगर ये वायरस से कोई इन्फेक्टेड है और उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, किसी हेल्दी पर्सन को उसने ब्लड दे दिया, तो ही विल बी इन्फेक्टेड। और या फिर कोई भी बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज हुई है किसी भी तरीके से, तो वो इंफेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो चूंकि मैंने पहले कहा था कि साइंटिस्ट को या डॉक्टर्स को ये लगा कि ये मलेरिया या टाइफाइड का केस है, जबकि ये था इस वायरस का केस। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो प्राइमरी सिम्टम्स इसके आए थे वो थे फीवर, हेडेक एंड चिल्स। फीवर, हेडेक एंड चिल्स, जस्ट दैट। 5 से 10 दिन इसके सिम्टम्स को डोमिनेट होने में लग गए, जो कि थे फीवर, हेडेक एंड चिल्स। लेटर ऑन सिम्टम वर्स हो गए। वर्स होने में क्या क्या आ गया? पहले लिवर फेलियर, पेशेंट का लिवर फेल होता है, देन उसे डायरिया होता है, जॉन्डिस होता है, एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज हो जाती है। आखिरी में उसको शॉक एंड डिलीरियम का प्रॉब्लम होता है और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। मतलब सारे के सारे अंगों का काम करना बंद हो जाता। इसके बाद पेशेंट में देखा गया कि मैसिव हेमरेज है। हेमरेज का मतलब होता है इंटरनल ब्लीडिंग, बॉडी के अंदर अपने आप ब्लीडिंग शुरू हो जाना, ये भी पेशेंट में देखा गया। तो ये इसके मेजर सिम्टम्स थे। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। जैसे कि WHO ने पता लगाया फिर PCR और इलीजा टेस्ट से, यही 2 टेस्ट है जिससे आप इसको पता लगा सकते हैं। फिलहाल तो ये वायरस अभी वेस्ट अफ्रीका में ही है, इंडिया में आने में बहुत टाइम है, भगवान की कृपा से इंडिया में ना है, क्योंकि इंडिया भी थर्ड वेव के लिए तैयार नहीं है, तो इस वायरस के लिए क्या तैयार होगा। खैर, ऐसे डॉक्टर मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो फैक्ट है तो है, उसमें क्या है। ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, नो, नहीं, सच में नहीं है यार, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बस ऑक्सीजन थेरेपी बंदे को रखते हैं, वेंटिलेशन पर रखते हैं, एंड भगवान की कृपा है, बस बच गया। बस लगा रहे हैं, साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं, ऐसा नहीं लगा रहे, लगा रहे हैं। लगेगा 3-4 साल अभी, और जैसे कोरोना वैक्सीन बनने में लगा ना, तो लगेगा टाइम। अभी 19 में शुरू हुआ था, 21 आ चुका है, खत्म होने वाला कुछ दिन में। खैर, तो ये थी वीडियो
मारबर्ग वायरस के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होगी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो छोटा सा वीडियो था और अपडेट था तो मैंने दे दिया। उसके बाद अब बात आती है सब्सक्रिप्शन की, क्योंकि 80% बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्यों? अरे देख रहे हो तो कर दो भाई, क्या जाएगा, कर दो। लाल बटन बगल में है, दे मारो यार उस पे, इबोला मारो, कोविड मारो, जो मारना है मारो, उस पे वैक्सीन लगा दो तुम, लेकिन सब्सक्राइब कर दो प्लीज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया यार, थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहना इस वीडियो पे, और मेरी बाकी वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, कोविड अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है कोविड के बारे में। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज चेक इट आउट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।